पाप को गंगा दूर करती है, क्रोध को चंद्रमा दूर करते हैं और दरिद्रता को कल्प वृक्ष दूर करता है। महात्मा जी कहते हैं संत किसे कहते हैं, साधु कौन है, गुरु कौन है, पापम तापम तथा दैन्यम हन्ति सज्जन संगमा। ऐसे वो गुरुदेव हैं, ऐसे वो संत हैं, महापुरुष हैं जिनका संग करने से पाप क्रोध और गरीबी तीनों की तीनों समाप्त हो जाती। तीन काम करने के लिए वो तीन है, पाप काटने के लिए गंगा, क्रोध काटने के लिए चंद्रमा और गरीबी को काटने के लिए कौन है, कल्प वृक्ष। वो तीनों में ये अलग अलग एक गुण है, लेकिन साधु वह है, गुरु वो है जो अकेला ही तीनों कामों को निपटा देता है। वो गुरु है जो गंगा की तरह पाप को काटता है, चंद्रमा की तरह भक्तों के क्रोध को दूर कर देता है और कल्प वृक्ष की तरह वो भक्तों की दरिद्रता को, गरीबी को दूर कर देता है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनकी संगति निश्चित रूप से कल्याणकारी है, लेकिन ये भगवान की कृपा के बिना साधु की संगति नहीं मिलती। भगवान की कृपा के बिना जीवन में संत नहीं मिलता। बढ़िया साधु मिल जाए, अच्छा महात्मा मिल जाए, तो समझ लेना कि भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार किया, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। और ये जीवन पर्यंत याद रखना, साधु के संग से पाप कटते हैं, साधु के संग से क्रोध समाप्त होता है और साधु के संग से जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है। साधु का संग गंगा की तरह है, साधु का संग चंद्रमा की तरह है और साधु का संग है वो कल्प वृक्ष की तरह है। तो गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगम। अच्छे लोगों का साथ करने से ये सब आनंद हो जाते। साधु संग साधु संग साधु संग रमी, महापुरुषों का संग मिले, उनकी संगति मिले, लोगों के जीवन बदल गए महापुरुषों का संग पाकर। और इस मृत्यु लोक में बड़ा दुर्लभ है।